वेलकम गाइस आईटीआर वीडियो में ओप्पो का F19s। इसके अंदर अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ रही है, अभी नया फ़ोन आया, तो आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप इसका मॉडल भी देख ले, F19s। इसकी जो है ये एमुलेट डिस्प्ले है, इसमें कैमरा भी 48 मेगापिक्सल का दे रखा है, ट्रिपल कैमरा है। तो मैं आपको इसकी जो लैंग्वेज है वो आपको बता देता हूँ कि आप कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। आपको स्लाइड करके नीचे आना है, ये सेटिंग का ऑप्शन होगा, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे आएंगे स्लाइड करके, तो एडिशनल सेटिंग, इसमें जाने के बाद जो आपकी फर्स्ट ऑप्शन आएगा एडिशनल सेटिंग का, मैं अच्छा आपको बता देता हूँ, ये दो डॉट वाला ऑप्शन होगा, ये देखें ये दो डॉट होंगे, आपको इसमें जाना है दो डॉट वाले ऑप्शन में। फिर आपको जो है फर्स्ट ऑप्शन आएगा, आपको उसमें जाना है। फिर इसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आता है आपको उसी पर टच करना है, या नीचे आप रेजिडेंस देखें, ये रहा इसके अंदर आ गया, ये तो रेजिडेंस है। और ये एडिट लैंग्वेज नीचे यहाँ पे ये देखें, ये ऑप्शन होगा ग्रीन कलर का, आप इस पर टच करेंगे तो ये आपकी लैंग्वेज यहाँ पे आ जाएगी। जो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है उसको सेलेक्ट करके आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ITL पर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।